आपको पता है अंबेडकर टाइम्स यूट्यूब चैनल बंद कर दिया गया है, इस पे 90,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर थे और ये उन चैनलों में से था जिस पर मैं स्टार्टिंग में वीडियोस देखा करता था। आज हम जा रहे हैं ग्वालियर के चुनावी माहौल देखने के लिए कि क्या माहौल बन रहा है, कैसा चल रहा है। तो कुछ एक लोग हैं जो चुनाव में खड़े हैं, तो वहीं जाकर देखते हैं कैसा माहौल है। हमारे साथ हैं डापसी के पूर्व स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर अंबेडकर, स्टूडेंट फ्रंट था ये, और अभी हम लोग जा रहे हैं, एक बीएसपी की मीटिंग है और उसी के बारे में थोड़ा पूछ लेते हैं। किस तरह की मीटिंग है ये? एक्चुअल में पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ, अभी मैं वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ, और ये जो मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है वो मीटिंग का आयोजन भी उसी उपलक्ष्य में किया जा रहा है। चुनाव जो अभी हैं अपने सर पर, तो उसको कुछ प्रत्याशियों के सहयोग के लिए हमारी जो युवा टीम थी और जो साथी पूर्व से ही लगे हुए हैं, विभिन्न ग्रामों से लगे हुए हैं, और उनको सामंजस्य बिठाने के लिए एक मीटिंग है कि जितने भी युवा जो पहले से कार्य में लगे हुए हैं और जो अभी नहीं हैं वो घर बैठे हुए हैं, तो उनको ये एहसास कराना कि ये प्रत्याशी आपका अपना है, ये एहसास कराने के साथ साथ में उनको जिम्मेदारियां देना और एक प्लानिंग तैयार करना कि जिससे हम अपने कैंडिडेट को कहीं ना कहीं, ऐसा होता है कि थोड़ी बहुत अंतर से अपन रह जाते हैं तो वो ना हो हमारे साथ में, तो हम पूर्ण रूप से लक्ष्य को प्राप्त करने में के लिए ये मीटिंग का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे प्रभारी जी जो हैं माननीय रमाकांत पिप्पल जी युवाओं की बैठक ले रहे हैं, और वो ग्वालियर ग्रामीण के प्रत्याशी साहब सिंह गुर्जर के लिए समर्थन में युवाओं को मोटिवेट करेंगे और दिशा निर्देश देंगे कि किस प्रकार से कार्य करना है, और उनको प्रत्येक ग्राम सभा के आधार पर काम का वितरण किया जाएगा, और उस काम वितरण में ये मुख्य भूमिका ये होगी, वो सारे युवा अपने अपने ग्राम पंचायत में एक नुक्कड़ सभाओं का आयोजन कराएंगे जिसके माध्यम से हम प्रत्याशी को वहाँ वोट की अपील करेंगे और बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से अवगत कराएंगे और उनको पार्टी से जोड़कर अपना एक प्रत्याशी को अपनत्व की भावना से उसको मतदान करने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। और अभी चंद्रशेखर रावण आए थे तब भी बीएसपी के बहुत सारे लोग साथ में सपोर्ट कर रहे थे, और वो भी एक तरीके से बीएसपी को ही सपोर्ट कर रहे थे। देखिए, बीएसपी जो है वो समाज है, बहुजन समाज है बीएसपी, एक्चुअल में ये सच्चाई है। तो बहुजन समाज तो साथ देता ही है, बिना बहुजन समाज के किसी भी सामाजिक संगठन की पूर्ति नहीं हो सकती, ना ही उसके उद्देश्यों की पूर्ति हो सकती है, तो सारे मृतक हैं। हमारी ये मीटिंग का जो उद्देश्य वो छोटा सा है, छोटा सा युवाओं के साथ प्रत्याशी सर मैं रतन बौद्ध जोन वीवीएफ, आज अपने ग्रामीण विधानसभा के कार्यालय पर हमारे प्रत्याशी साहब सिंह गुर्जर जी और हमारे ग्रामीण विधानसभा को मुख्य काम देख रहे हैं। हमारे बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी रमाकांत पिप्पल जी आए हैं। बहुजन समाज की रीढ़ की हड्डी कहलाने वाले हमारे युवा साथियों के बीच में हिम्मत और हौसला तो बेहनती के अंदर निकला। एक दलित की बेटी ने आज हमारा सम्मान बढ़ाया, हमें गर्व। चुनाव की कैसी तैयारी है आपकी और बहुजन समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। चुनाव की कैसी तैयारी? चुनाव की तैयारी आपको देख रही होंगी कैसी हो सकती है। मेरा चुनाव क्षेत्र की जनता लड़ रही है, युवा लड़ रहा है, बुजुर्ग लड़ रहे हैं, माताएं बहनें लड़ रही हैं, पूरा ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा के सारे बिरादरी के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मैं अकेला चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, उधर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी के दिग्गज नेता चुनाव लड़ रहे हैं, इधर जनता चुनाव लड़ रही है। थैंक यू, सभी जितने भी मध्य प्रदेश के और चंबल संभाग के युवा है, सभी के अंदर बहुजन समाज पार्टी घुसी हुई है और कूट कूट कर बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, और जितने भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं उस चंबल संभाग में, मध्य प्रदेश में, सभी कैंडिडेटों के साथ अपनी ये कतार के रूप में बहुजन समाज पार्टी के साथ दे रहे हैं तन मन धन से। कुछ बहुजन युवा जो ग्रामीण से भी आए हैं, तो वहाँ के भी हालचाल पूछ लेते हैं। कैसा बीएसपी का कैसा माहौल है ग्रामीण में? बीएसपी का बहुत ज़बरदस्त माहौल है, और जहाँ से सीट क्लियर निकलेगी अपनी साहब सिंह भाई साहब की, कोई नहीं रोक सकता। मतलब माहौल अच्छा है, बीएसपी के पक्ष में है, और जिस तरह से लोग बोल रहे हैं कि बीएसपी का कुछ खास माहौल नहीं है, तो वो सब मतलब भ्रमक झूठ फैला रहे हैं। जी सब झूठ है जी, हम लोगों को बहकाने के लिए है, इसे अफवाह फैला रहे हैं, इसे अफवाह फैला रहे हैं। कम से कम 20,000 से कम ऐसी जीत होगी,
और इस मध्य प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सभी जनों को एक साथ लेकर चलती है, चाहे वो SC ST OBC वर्ग का हो, चाहे वो जनरल हो। आज इस देश के अंदर साहब कांसीराम ने हमारे लिए एक विकल्प पैदा कर दिया है और वह विकल्प है बहुजन समाज पार्टी। आज ग्वालियर ग्रामीण 14 विधानसभा में सभी युवा साथियों की मीटिंग की गई है और सभी युवा साथियों ने संकल्प लिया है कि बहुजन समाज पार्टी के ग्वालियर ग्रामीण 14 से प्रत्याशी साहब सिंह गुर्जर जी को विजयी बनाना है। और सभी लोगों ने यह भी शपथ ली है कि हम सभी लड़के सभी व्यक्ति एक एक पोलिंग बूथ पर जाएंगे और बहुजन समाज पार्टी को वोट डलवाएंगे और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे। और ये सभी युवा कम से कम 200 युवाओं की मीटिंग की गई है। खरूरी गांव से, गणेशपुरा से, बिजौली, सोनी और जनारपुरा, दोहिया, हस्तनापुर, इन सभी ग्रामीण क्षेत्र से लड़के आए हुए हैं युवा साथियों की। इसीलिए मीटिंग रखी गई है कि बहुजन समाज पार्टी को जिताना है और बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाना है। मैं BSP का कोई मेंबर नहीं हूं, लेकिन यहां आया था क्योंकि यहां बहुजन युवा इकट्ठा हुए थे और उनके अंदर क्या जोश है और वो किसकी तरफ झुके हुए हैं वो दिखाने की एक थोड़ी सी कोशिश थी मेरी। तो हम क्या बात कर रहे थे कि बहुत सारे YouTube चैनल जो हैं वो बंद हो रहे हैं बहुत जल्दी से। पहले क्या होता था, ऐसे बहुत सारे YouTube चैनल थे जो ABP न्यूज़ हो गया, NDTV न्यूज़ हो गया, इन सारे न्यूज़ चैनलों से जो इनकी बाइट चलती थी, इनकी जो न्यूज़ चलती थी उन्हें कॉपी करके वो डेली की डेली है ना यूट्यूब पर अपलोड करते थे और बहुत अच्छे व्यूज़ आते थे और बहुत अच्छा भी लगता था देखने में वीडियोज़ को, क्योंकि ये सारे चैनल जो हैं वो यूट्यूब पर एक्टिव नहीं थे इतने ज़्यादा। तो अगर हमें कोई न्यूज़ देखनी होती थी इन्हीं चैनल के माध्यम से हम देखते थे और पहले ऐसा लगता था कि इन चैनल को लाखों लोग देखते हैं, ये मतलब यूट्यूब इनको बंद क्यों नहीं कर रहा है। और लेकिन आज वो दिन आ गए हैं कि ऐसे जितने भी चैनल हैं वो सारे बंद होते हुए जा रहे हैं। तो आप लोग भी एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी आप YouTube पर कोई वीडियो बनाते हैं या अपलोड करते हैं वो आपका खुद का ओरिजिनल होना चाहिए। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आज तो हमारे लाखों व्यू आ रहे हैं, कल को वो कब बंद हो जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। एक्चुअली यूट्यूब वो नहीं है जो ज़्यादातर लोग समझते हैं। YouTube के कुछ बेसिक रूल्स हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आप भले ही सिंगल व्यक्ति हो, आपके पास पैसा नहीं है, आप सिंपल मोबाइल से रिकॉर्ड करते हो, तो YouTube का जो फंक्शन है वो आपके लिए काम करेगा और आपकी ग्रोथ होने लग जाएगी। लेकिन इसके उलट अगर आप उसके बेसिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो फिर भले आपके पास कितनी भी बड़ी टीम हो, आप शाहरुख खान ही क्यों ना हो, YouTube आपके लिए काम बिल्कुल नहीं करेगा और ना ही आपका चैनल ग्रो होगा। और इसका सिंपल सा फंडा है कि YouTube जो है एक प्राइवेट कंपनी है, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसे पता है किस तरह से ग्रो किया जाता है, उसे पता है कि लोगों को क्या पसंद आता है। कुछ एक चैनल मुझे बहुत पसंद है, इसमें से एक है धाकड़ खबर। उसमें एक व्यक्ति है अकरम रईस खान, वो किसी भी मुद्दे को उठाते हैं और बहुत अच्छी तरह से उसको समझाते हैं और बड़ा ही अच्छा लगता है उस चैनल को देखने के लिए। अगर आप उस चैनल की ग्रोथ देखोगे तो बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है वो चैनल। एक और चैनल है चलचित्र अभियान, ये एक ऐसा चैनल है जो डॉक्यूमेंट्रीज बनाता है रियल लाइफ में। इसके ऊपर डिटेल में मैं आगे फिर कभी बताऊंगा। और इस चैनल की खासियत ये है कि इसमें जितनी भी डॉक्यूमेंट्रीज मिलेंगी आपको, उसमें आपको बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्टिंग और ग्राउंड व्यक्ति मिलेंगे और इतनी शानदार चीज़ है। लेकिन आप अगर इस चैनल पर जाओगे तो उस पर 4,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है और इस चैनल को आपका सपोर्ट चाहिए। और इस चैनल के बारे में फिर कभी डिटेल में बताऊंगा, लेकिन इस चैनल की एक बात बताऊं मैं आपको, ये चैनल जो है वो द वायर के साथ कोलैब कर चुका है लेकिन फिर भी इसके सब्सक्राइबर जो है वो बढ़ नहीं रहे हैं। और इसके सब्सक्राइबर आज से लगभग 1.5 साल पहले लगभग इसके 1 या 2 हज़ार सब्सक्राइबर हुआ करते थे और आज भी सिर्फ 4,000 सब्सक्राइबर हैं। इतना अच्छा चैनल जो डॉक्यूमेंट्रीज बनाता है वो भी रियल लाइफ के ऊपर, और उसके बाद भी उसको ग्रोथ नहीं मिल रहा है। द वायर चैनल ने भी इनके वीडियो को एक बार दिखाया था और उसके बाद भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो क्या कारण हो सकता है ये मुझे भी समझ नहीं आया अभी तक। और अगर आप चैनल को जाकर देखेंगे, ये उन चैनलों में से है जब सहारनपुर जला था और उस समय जो डॉक्यूमेंट्रीज बनी थी, ये उन चैनलों में से है जिसने सबसे पहले वहाँ की डॉक्यूमेंट्री दिखाई थी कि वहाँ के क्या हालात हैं, भीम आर्मी क्या करती है और ये सारी चीज़ें। लेकिन आज की हालत ये है कि इस चैनल में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है, और अगर आप लोग इसको सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है ये चैनल आगे ग्रो करे। तो आज के लिए इतना ही, और मैं इस तरह के वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल का नीचे सब्सक्राइब बटन, उसको क्लिक करना बिल्कुल ही मत भूलना। और अगर आप 1,000 लाइक्स देंगे इस वीडियो के लिए तो मैं इस तरह के वीडियोस आगे बनाने के लिए मोटिवेट होता रहूँगा। थैंक यू।